हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू मैग्नेट ब्रेन्स माय नेम इज सानिध्य और मैं हूं आपका इकोनॉमिक्स फैकल्टी फॉर क्लास ट्वेल्थ तो बेटा के जी वन से लेकर ट्वेल्थ तक के आपको कोई भी वीडियोस देखनी हो तो आप मैग्नेट ब्रेन्स चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट विद विदाउट पार्ट टू ऑफ एनसीआर सोल्यूशन हमने पार्ट वन भी स्टार्ट किया था और अब पार्ट टू की बारी आ गई है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एज वेल बिकॉज कुछ हिस्से हमने कवर कर लिए थे पिछली क्लास में और अब कुछ हिस्से जो बचे हैं वो इस क्लास में कवर करने वाले हैं तो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम लेट्स मूव द क्वेश्चन लेट्स गो क्वेश्चन नंबर सेवन योर कंप्यूटर स्क्रीन आर एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक बेटा कमर्शियल बैंक के फंक्शन क्या है उसको एक्सप्लेन करना है चलिए देखते हैं क्या है कमर्शियल बैंक के फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक फर्स्ट एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स सबसे इंपॉर्टेंट बात भाई ये तो करना ही पड़ेगा ये तो करना ही पड़ेगा एक्सेप्टिंग डिपॉजिट मतलब ये तो करना ही पड़ेगा डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कमर्शियल बैंक का क्योंकि कमर्शियल बैंक को डिफरेंट बनाने वाला एक जो पॉइंट है वो यही है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स द मेन फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक इज टू एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम दब्लिक पब्लिक से आम जनता से कमर्शियल बैंक क्या करता है आम जनता से पैसा लेता है आया ना ये देखो ना पब्लिक है ये पब्लिक है इससे पांच हजार इससे छह हजार इस दस हजार है ना ऐसे ही रहता है इससे किसी से लाख किसी से कुछ है ना ऐसे आपसे पैसे लेता रहता है तो ये सब क्या है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट सबके पैसे लेकर फिर उससे लोगों को क्या देता है लोन लेता है कुछ रिजर्व निकाल लेता है पैसा रिजर्व के लिए निकाल लेता है और बाकी वो लोन पे दे देता है तो समझे क्या कि आप इस बात से समझ पाए कि भैया कमर्शियल बैंक्स जो है लोन्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं ट कैन टेक द फॉर्म ऑफ डिमांड या करंट डिपॉजिट से फिक्स डिपॉजिट भी वो भी चीज आपको पता है कि भैया सेविंग्स डिपॉजिट क्या होता है करंट डिपॉजिट क्या होता है करंट अकाउंट डिपॉजिट और इसके साथ साथ आपके फिक्सड डिपॉजिट क्या होता है जरा देखो बेटा करंट अकाउंट के अंदर करंट अकाउंट के अंदर आपके नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन जो होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं अनलिमिटेड होते हैं विथ नो इंटरेस्ट चलो मैं आपको एक उस तरह से समझा देता हूँ एक वही जो मैंने पहले बताया था आपको तीन तरह के होते हैं करंट अकाउंट आपके सेविंग्स अकाउंट और चलो छोड़ो सेविंग्स नहीं पहले इसको ले लेते हैं फिक्स डिपॉजिट को लेते हैं एफ डी फिक्सड डिपॉजिट और सेविंग्स अकाउंट ठीक है अब देखो करंट अकाउंट में ट्रांजेक्शन अनलिमिटेड होते हैं अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन इसमें सिर्फ दो ट्रांजेक्शन होते हैं ओनली टू ट्रांजेक्शन तो दो ट्रांजेक्शन ठीक है या तो वर्ड्स में लिख देता हूं मैं अनलिमिटेड transactions transactions two transactions two transactions limited transactions limited transactions ठीक है अब क्या है इसमें अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन इसमें लिमिट दो ट्रांजैक्शन है सिर्फ कि एक डिपॉजिट दूसरा विथड्रॉल इसमें क्या है लिमिटेड uh, ट्रांजेक्शन है कुछ चार पांच ट्रांजेक्शन आप कर सकते हो दिन के कार्ड के साथ नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट में इसमें इंटरेस्ट इस मिलता, no no मिलता है इसमें इंटरेस्ट नहीं मिलता नो इंटरेस्ट नो इंटरेस्ट हाई इंटरेस्ट लो इंटरेस्ट मिलता है लेकिन कम मिलता है लेकिन कम तो बेटा ये कुछ अकाउंट टाइप्स है ये सारी फैसिलिटी भी कौन देता है हमने बैंक ही देता है देखो ना फिक्स्ड डिपॉजिट और ये कुछ समय के लिए फिक्स रहता है फिक्स डिपॉजिट फिक्स टाइम पीरियड मैचोरिटी डेट पे आपको पैसा मिल जाएगा ठीक है ऐसी कुछ फैसिलिटीज देता है तो क्या फिक्स्ड डिपॉजिट डिमांड डिपॉजिट सॉरी सेविंग्स डिपॉजिट और आपके करंट डिपॉजिट ठीक है ये सब क्या है ये भी फैसिलिटीज देता है बैंक अलग अलग लोगों के हिसाब से सेव एफडी कौन करवाता है जिनको पैसा ज्यादा चाहिए एट द एंड ऑफ द डे कुछ बीस साल बाद करंट अकाउंट कौन खुलवाता है बिजनेसमैन सेविंग्स अकाउंट कौन खुलवाता है यूजुअली बच्चे यूजुअली उसके साथ जो है स्टूडेंट्स हैं उसके साथ साथ आपके सैलरी वाले लोग हैं वो सेविंग्स अकाउंट खुलवाते हैं काफी क्योंकि उनके ट्रांजेक्शन डेली के इतने होते नहीं है बिजनेस वालों के बहुत ट्रांजेक्शन होते हैं एडवांसिंग ऑफ लोन्स लोन्स को देना द मनी कलेक्टेड बाय द कमर्शियल बैंक मैंने बताया था ना एग्जाम्पल इतने सारे लोगों का पैसा इकट्ठा करके कुछ रिजर्व निकाल के बाकी लोन पे चढ़ा दो थ्रू द डिपॉजिट्स इज एडवांस्ड एज लोन्स लोन की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाता है लोन दे दिए जाते हैं टू हु नीड दम हम लोगों से पैसा इकट्ठे कर रहे हैं और हम लोगों का पैसा इकट्ठा करके हम ही को बांट दे रहा है क्या मतलब ये होती है ना आपके सोसाइटी में कमेटी बिठाते हैं कि सब लोग हिस्सा कर रहे हैं हिस्सा दे रहे हैं पैसे दे रहे हैं थोड़ा बहुत और एक दिन किसी कमेटी खुलती है उसको पैसा मिल जाता है वही वाला काम है बट ब्याज के साथ बट ब्याज के साथ ठीक है अब जरा देखो इट मे टेक द फॉर्म ऑफ कैश क्रेडिट कैश क्रेडिट हो सकता है लोन हो सकता है एडवांसेस हो सकते हैं इन तरह में भी लोन दिया जाता है शॉर्ट टर्म लोन लॉन्ग टर्म लोन और काफी तरह के लोन्स मतलब ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ये सब भी होता है ठीक है उसके बाद क्वेश्चन नंबर एट लेट्स गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर एट व्हाट इज मनी मल्टीप्लायर मनी मल्टीप्लायर क्या है व्हाट डिटरमाइंस द वैल्यू ऑफ दिस मल्टीप्लायर इस इसकी वैल्यू कौन डिफाइन करता है चलिए देखते हैं लेट्स सी द आंसर मैंने आपको बहुत चीजें एक्सप्लेन किया भी था वीडियोज में बट लेट्स सी अगेन मनी मल्टीप्लायर मेजर्स द अमाउंट ऑफ मनी दैट द बैंक आर एबल टू क्रिएट इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट विद एवरी यूनिट ऑफ मनी दे कीप इन रिजर्व वो बोल रहे हैं कि रिजर्व में रिजर्व में पैसा रखवा कर पैसा रिजर्व में जोड़ जोड़कर हम कैसे डिपॉजिट्स को बढ़ा रहे हैं इस चीज की चीज इस चीज को वो चेक करते हैं ठीक है मनी को कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं डिपॉजिट्स और रिजर्व को मेंटेन करके उसके बारे में बात करते हैं इट इज कैलकुलेटेड बेटा इसका फॉर्मूला है इट इज कैलकुलेटेड ऑन द फॉर्म ऑफ मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू वन अपॉन लीगल रिजर्व रेशियो दैट इज एल आर आर एल आर आर क्या है बेटा लीगल रिजर्व रेशियो जिस पे कैलकुलेट होता है मनी मल्टीप्लायर मतलब हमारे रिजर्व जो है हमारे जो रिजर्व है रिजर्व है रिजर्व से हमारा डिपॉजिट टोटल डिपॉजिट कितना गुना होगा यह बताता है कि हमारे रिजर्व जितने हैं ना हमारे जितने रिजर्व हैं उसके कंपैरिजन में कितना गुना हमारा टोटल डिपॉजिट होगा इसको शो करता है कौन एल मनी मल्टीप्लायर ठीक है अब ना लीगल रिजर्व रेशियो कम्प्राइस ऑफ देखो लीगल रिजर्व रेशियो कंप्राइस ऑफ कैश रिजर्व कैश रिजर्व रेशियो की सी होता है इसके अंदर और एस एल आर स्टैटरी लिक्विडिटी रेशियो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो और कैश रिजर्व रेशियो इट कैन बी सेट दैट एल आर आर डिटरमाइंस दैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर एल आर ही डिटरमाइन करता है वैल्यू किसकी मनी uh, मल्टीप्लायर की कैसे वैल्यू डिटरमाइन करता है बेटा देखो वन तो वन होगा उसके अलावा और कुछ है नहीं ये जो भी नीचे आएगा वही वैल्यू डिफाइन करेगा उसकी तो यही बोल रहा है कि एल का जो रेट होगा वही डिफाइन करता है मनी मल्टीप्लायर कितना होगा ये वन तो वन कॉन्स्टेंट ही होगा और वन का क्या ही आपका डिफरेंस uh, हो जाए क्या अफेक्ट कर लेगा वन आपको कोई इफेक्ट ही नहीं होगा उसका ज्यादा हां पर इसके चेंज होने मतलब तो इसके रेट से हमें आंसर डिफरेंट मिलेगा मनी मल्टीप्लायर डिफरेंट मिलेगा ठीक है जरा देखो बेटा इसके अंदर क्या बातें करी गई हैं फिर आता है अपना क्वेश्चन नंबर नाइन क्योंकि हमने एल के अंदर पढ़ा है दो था दो चीजें होती हैं दैट इज सी और एस ठीक है वो भी समझेंगे क्या होता है वॉट आर दी इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी ऑफ आर बी आई पॉलिसी के क्या इंस्ट्रूमेंट्स है उसकी बात करी जा रही है किससे हम आर जो है वो ऐसे कौन से इंट्रोमेंट्स इंस्ट्रूमेंट्स है जिससे मॉनिटरी पॉलिसी मतलब मॉनिटरी पॉलिसी बनाता है और वो मनी के सप्लाई को कंट्रोल करता है वह ऐसे कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है जरा उनके बारे में भी यहाँ पे बात करते हैं चलिए देखिएगा द फॉलोइंग आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये कुछ फॉलोइंग मेजर्स हैं फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि मॉनिटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया को मतलब बेसिकली मॉनिटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया मॉनिटरी पॉलिसी बनाता है मॉनिटरी पॉलिसी बनाता है और कंट्रोल करता है क्रेडिट को एंड मनी सप्लाई को क्लियर दो तरह के एस्पेक्ट पड़ेंगे यहाँ पर इसमें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव पे आ जाते हैं सबसे पहले क्वांटिटेटिव दीज इंस्ट्रूमेंट अफेक्ट दी ओवरऑल सप्लाई ये बेटा सिलेक्टिव नहीं है कि इसको अफेक्ट करेंगे इसको अफेक्ट नहीं करेंगे सबको करते हैं ओवरऑल सप्लाई ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी इकोनॉमी में जितने लोगों को लोन चाहिए उन सब लोगों को अफेक्ट करता है जो लोग लोन दे रहे हैं उन सबको अफेक्ट करता है बैंक रेट बैंक रेट क्या अपन ने पढ़ा हुआ है बैंक रेट इज द मिनिमम रेट एट विच मिनिमम रेट एट विच सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री लेंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक्स कमर्शियल बैंक को जब पैसों की जरूरत हो तो आरबीआई पैसा देता है आरबीआई पैसा देता है और जब कमर्शियल बैंक इंटरेस्ट पे करता है तो बेटा इंटरेस्ट जिस परसेंट पे कैलकुलेट होता है उसे कहा जाता है आपका

ओपन मार्केट ऑपरेशन ओपन मार्केट ऑपरेशन मतलब क्या ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब है कि गवर्नमेंट को गवर्नमेंट गवर्नमेंट में ना लोगों को विश्वास ज्यादा होता है अब जैसे क्या होता है आरबीआई है आरबीआई क्या करता है इनके पास होती है सिक्योरिटीज सिक्योरिटीज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है अब क्या होता है जब ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल करते हैं क्या करते हैं बेटा सेल करते हैं तो बदले में क्या देते हैं लोग इनको मनी और लोग कौन दे रहे हैं मतलब पब्लिक या तो बैंक कमर्शियल बैंक दोनों में से किसी को बेचते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता किसको बेच रहे हैं लेकिन हाँ यही तो इकोनॉमी है यही तो है। यही तो तो इकोनॉमी इकोनॉमी है है लोग और कमर्शियल बैंक के पास जो पैसा है वही हमारी इकोनॉमी या मनी सप्लाई का हिस्सा है तो बेटा अगर आपने इकोनॉमी से पैसा खींच लिया तो आरबीआई के पास पैसा ज्यादा आ गया और इकोनॉमी के पास पैसा कम हो गया तो देखो जब पैसा कम हो जाएगा इकोनॉमी में से तो बेटा अर्थव्यवस्था तो आएगी ना अर्थव्यवस्था नहीं पर हां मनी के सप्लाई के वजह से लोगों की लाइफ में इंफ्लुएंस तो होगा ना महंगाई बढ़ जाना महंगाई कम हो जाना ये सारे वही मेजर्स हैं अब अब मान लीजिए ये सेनारियों में कर दूं उल्टा ये सेनारियों में कर दूं उल्टा ठीक है ये मैं सेनारियों कर दू उल्टा अभी ये कर रहा है अब परचेज कर रहा है क्या कर रहा है ये परचेज परचेज कर रहा है और यहां से क्या कर रहा है बेटा बेटा मनी यहां पे दे रहा है इकोनॉमी में पैसा बढ़ गया और आरबीआई के पास पैसा क्या हो गया बेटा आरबीआई के पास पैसा कम हो गया आरबीआई के पास पैसा कम हो गया तो देखो मनी सप्लाई बढ़ गया मनी सप्लाई बढ़ गया मार्केट में पैसा ज्यादा आ गया अब क्या होता है गवर्नमेंट ओपन मार्केट ऑपरेशन में यही चीज कही गई है कि भैया बाय सेलिंग द सिक्योरिटीज द सेंट्रल मार्केट ड्रॉ द कैश बैलेंसेस

तो कैश विद्रॉ हो जाता है कैश हम छीन लेते हैं इकोनॉमी से समझ आया इसे ही क्या बोला जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशन फिर अपना आता है कैश रिजर्व रेशो बेटा कैश रिजर्व रेशो एल का वो एक हिस्सा है एक है सीआरआर और एक है एस एल जो है वो मेंटेन करता है कौन आर कमर्शियल बैंक को सीआरआर का अमाउंट देना पड़ता है किसको इसको तो सीआरआर मेंटेन किया जाता है किसके द्वारा के द्वारा और कमर्शियल बैंक कौन, कौन, आ, बैंक जो कौन सा कुछ हिस्सा निकलता है एल आर आर के और एल आर आर के दो टुकड़े होते हैं सी आर आर और एस एल आर सी आर जो की आरबीआई द्वारा मेंटेन किया जाएगा और कमर्शियल बैंक द्वारा एस मेंटेन किया जाएगा ठीक है यही चीज यहां पे सिखाई जाती है सीआरआर

कैश और अदर लिक्विड एसेट्स कॉल्ड एस एल आर विथ इट सेल्फ क्यों विथ इट सेल्फ मतलब कमर्शियल बैंक खुद रखता है अब कोई भी तरह का कैश कोई भी तरह का लिक्विड एसेट इनको मेंटेन करना पड़ेगा फिक्स्ड परसेंटेज होता है जैसे कि 18 परसेंट मान लीजिए अभी करंट रेट के हिसाब से 18 परसेंट रेट है एसएलआर का और उसी को मेंटेन करना है किसको कमर्शियल बैंक को अपने पास जिससे कोई भी जरूरत पड़े तो उधर से फंड निकाल के पे ऑफ किए जा सके ठीक है द मेजर कॉम्पोनेट ऑफ लिक्विड एसेट्स आर कैश इन अब लिक्विड एसेट्स क्या है वो बता रहा है कैश इन रिजर्व रिजर्व विद द सेंट्रल सेंट्रल बैंक बैंक के पास जो है वो गवर्नमेंट गवर्नमेंट एंड अनक्यूम्बड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज मतलब जैसे कि हाउस फ्री लोन हो गया है ना लोन फ्री हाउस हो गया सॉरी लोन फ्री कार होती है कि उसके ऊपर कोई लोन नहीं है ऐसे एसेट्स ऐसी सिक्योरिटीज ठीक है देन आता है रेपो रेट रेपो रेट मैंने बताया बेटा रेपो रेट जो है वो बेटी, बे, बेसिकली बेटा कमर्शियल बैंक जब इंटरेस्ट पे करे किसको आरबीआई आरबीआई को को किसके बदले लोन के बदले पैसा दिया बदले में लोन प्लस इंटरेस्ट दे रहे हैं तो ये जो इंटरेस्ट होता है कमर्शियल बैंक जो ब्याज पे करता है लोन के बदले सेंट्रल बैंक को आरबीआई को वो इंटरेस्ट कहा जाता है रेपो रेट रेपो रेट ठीक है और इसका उल्टा मतलब कमर्शियल बैंक जो है और आरबीआई है आरबीआई कई बार होता है कमर्शियल बैंक के पास ज्यादा पैसा आ जाता है तो जैसे नॉर्मल इंसान एफ करवाता है ना तो ये लोग भी पैसा जमा करवा देते हैं तो पैसा दे दिया लोन मान लो इसको कि लोन के फॉर्म में दे दिया और जो इंटरेस्ट आरबीआई देगा बेटा वो इंटरेस्ट जो आरबीआई देने वाला है ना वो इंटरेस्ट को कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट उल्टा रिवर्स रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है क्लियर है यही रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट है चाहो तो एक बार पढ़ लो इट इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक गिव्स शॉर्ट टर्म लोन मैंने क्या बोला बेटा शॉर्ट टर्म लोन एक इसमें होता है बेटा शॉर्ट टर्म लोन शॉर्ट टर्म लोन होता है लॉन्ग टर्म लोन क्या है बैंक रेट होता है ठीक है शॉर्ट टर्म लोन ऑफ शॉर्ट टर्म लोन ऑफ कमर्शियल बैंक बाय बाइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट कि ओपन मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय करी जाती है देखो ना गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद रहा है और फिर देता है तो बेटा इसको एक तरह का रीपरचेसिंग टर्म भी बोला जाता है क्या बोला जाता है इसको एक रीपरचेसिंग टर्म भी बोला जाता है ठीक है अब इधर देखो बेटा रिवर्स रेपोरेट सेम चीज है इट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट व्हिच कमर्शियल बैंक्स कैन पार्क देयर सरप्लस फंड सरप्लस फंड्स हैं उनको कहीं पे सरप्लस फंड्स को इन्वेस्ट करना है विथ दी सेंट्रल बैंक सेंट्रल बैंक को दे दो फॉर शॉर्ट पीरियड टाइम कि शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए थ्रू परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ उनसे बदले में सिक्योरिटी ले लो और पैसा जमा कर दो उसके बदले में जो रेट इंटरेस्ट देगी आर कमर्शियल बैंक को उससे रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं बेटा क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके अंदर क्वालिटी होती है सबको अफेक्ट नहीं करते और बैलेंस करते हैं मतलब बेसिकली इन्फ्लुएंस करते हैं किसी एक सेक्टर को या इंडस्ट्री को दिस इंस्ट्रूमेंट सीक टू इन्फ्लुएंस द द क्वालिटी क्वालिटी ऑफ क्रेडिट इन को अफेक्ट uh, करता है मार्जिन रिक्वायरमेंट मार्जिन क्या होता है सौ का लोन है सौ का लोन है और अब सिक्योरिटी पे कुछ रखना पड़ेगा ना देखो कोई भी लोन बिना सिक्योरिटी के नहीं मिलता कुछ प्रॉपर्टी कुछ गहना कुछ कुछ तो रखना पड़ता है सौ रुपए आप लोन रख दो और सौ रुपए लोन रख दो अब क्या होगा ऐसा थोड़ी ना कि सौ रुपए ही सिक्योरिटी ले, ले लेंगे सेम वैल्यू का अब इस सौ की वैल्यू अगर अस्सी होगी तो नुकसान हो जाएगा ना तो क्या होता है गवर्नमेंट बोलती है कि भैया मार्जिनल जो आपका रिक्वायरमेंट है ना मार्जिनल रिक्वायरमेंट मतलब मतलब इसका वैल्यू और इसके वैल्यू में डिफरेंस होना चाहिए मतलब आप जो है 120 का 120 की वैल्यू का आप उससे सिक्योरिटी लीजिए मतलब जितने का लोन ले रहे हो और उसके बदले में जो सिक्योरिटी रख रहे हो जो कि गिरवी रख रहे हो वो गिरवी वाली चीज इस लोन की वैल्यू से ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि अगर मान लो इसकी वैल्यू कभी कम हो गई तो हमारा स्टिल हम पैसा निकाल सके ऐसा ना हो कि हमारा पैसा ही डूब जाए ठीक है तो क्या होता है कई बार क्या होता है गवर्नमेंट बोलती है कि भैया जो मार्जिन है ना अब देखो ये क्या है देखो सौ और एक सौ और एक के अंदर बीस का मार्जिन है तो कई बार इस मार्जिन को बढ़ा दिया जाता है बोलते हैं कि एक ले लो सौ के लोन के बराबर अब क्या होगा जब मार्जिन बढ़ जाएगा ना लोगों को अब लोन मिल रहा था तीस लाख रुपए का लोन मिल रहा था चालीस लाख रुपए के गिरवी रखकर कुछ कि चालीस लाख रुपए की कोई प्रॉपर्टी या कोई ऐसी चीज है उसको गिरवी रखो तो तीस लाख रुपए तक का लोन मिल जाता है अब क्या हुआ है अब प्रॉब्लम ये हो गई कि हमें तीस लाख रुपए का लोन चाहिए लेकिन अब बोल रहा है पचास लाख रुपए देने पड़ेंगे क्यों मार्जिन बढ़ा दिया समझ आए इससे भी हम मनी सप्लाई या क्रेडिट को कंट्रोल करते हैं जरा देखिएगा मार्जिन इज द डिफरेंस बिटवीन मार्जिन है जो डिफरेंस बिटवीन है डिफरेंस बिटवीन माइनस करके देखना डिफरेंस बिटवीन द सिक्योरिटी ऑफर्ड सिक्योरिटी ऑफर्ड एंड अमाउंट ऑफ लोन सैंक्शन यही चीज बोली कि जितने का पैसा दे रहे हैं जितने का लोन मिल रहा है और जितने के बदले में हम कुछ कोलैटरल पे दे रहे हैं या फिर बदले में कुछ गिरवी रख रहे हैं उसकी वैल्यू का डिफरेंस बोला जाता है अपना आ ये मार्जिनल रिक्वायरमेंट ठीक है चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा बेटा बेसिकली सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल भी बोला जाता है इट रेफर्स टू फिक्सेशन ऑफ क्रेडिट कोटा फॉर डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज मतलब क्या सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल भी बोला जाता है इसको सी एस सी सी एस सी सी सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल हमारे पास चार पांच इंडस्ट्री है मान लीजिए एग्रीकल्चर है एग्रीकल्चर है उसके साथ साथ अपने पास है मोबाइल फिर है फैशन फैशन और उसके साथ है हॉस्पिटल अब होगा क्या अब हम हर किसी को लोन तो दे नहीं सकते क्योंकि भैया हर किसी इंडस्ट्री को प्रमोट करना भी नहीं हमें पैसा खींचना है मार्केट से मतलब हमें लोगों की परचेजिंग पावर को खत्म करना है कम करना है खत्म नहीं करना कम करना है तो बेटा क्या करोगे कुछ इंडस्ट्री में आप कभी भी लोन्स नहीं रोक सकते जैसे कि एग्रीकल्चर बेटा इसमें अगर लोन रोक दिया लोगों ने अगर बनाना बंद कर दिया ना तो भूखे मर जाएंगे तो क्या होगा इसमें लोन नहीं इसमें लोन देना बंद नहीं करना इसमें लोन देते रहो कोई दिक्कत नहीं है मोबाइल इंडस्ट्री बेटा मोबाइल इंडस्ट्री में भी लोन देते रहो ऐसा कोई दिक्कत है नहीं बिल्कुल दो बिना मोबाइल के हम लोग बिजनेस नहीं चला सकते फैशन इंडस्ट्री काम करो फैशन वैशन गया तेल लगाने फैशन इज एक्सपेंस की तरह होता है तो एक काम करो फैशन इंडस्ट्री को कोई लोन मत देना ठीक है आपका हॉस्पिटल फैसिलिटी हाँ लोन देना भैया जरूरत है मेडिकल फैसिलिटी की तो यहाँ पे क्या किया इन तीनों को लोन दे रहे हैं इस इंडस्ट्री को लोन नहीं दे रहे क्यों क्योंकि हम यहां पे कंट्रोल कर सकते हैं किसको लोन देना है किसको लोन नहीं देना इसे ही सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल करते हैं ऐसा थोड़ी कि सबको ही लोन लेने से मना कर दोगे क्योंकि पैसा आपको परचेजिंग पावर है वो कम करनी थी नहीं ऐसा नहीं होगा यहां पे क्या होगा बेटा यहां पे आप कुछ सिलेक्टिव इंडस्ट्रीज को मना कर सकते हो क्लियर है फिर आता है मॉरल सुशन मॉरल सुशन का मतलब है मॉरल सुशन के अंदर दो चीजें होती हैं मॉरल सुशन के अंदर दो चीजें होती है मॉरल सुन के अंदर दो चीजें होती है क्या एक होता है और दूसरा होता है प्रेशर या तो प्यार से मान जाओ या फिर प्रेशर से मना लेंगे दो ही चीज बोलता है या तो प्यार से मान जाओ या प्रेशर से मना लेंगे कौन बोलता है आरबीआई बोलता है कि किसी इंडस्ट्री को लोन नहीं देना तो मतलब नहीं देना हमने बोल दिया प्यार से मान जाओ तो ठीक है नहीं तो मैं फिर ऐसी पॉलिसी फेंक के मारूंगा कि तुम्हें प्रेशर से ही तुम फिर काम करोगे पॉलिसी बना दूंगा तो फिर तो झक मार के आपको करना पड़ेगा काम जैसा मैं बोलूंगा वैसे तो या तो प्यार से मान जाओ या फिर प्रेशर से भी समझा देंगे जैसा बोलो आप द सेंट्रल बैंक इज ऑफन एम्पावर टू इशू डायरेक्टिव टू मेजर टू मेंबर में सच डायरेक्ट ऑर्डर आर इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्शनल कंट्रोल डायरेक्शन दे रहे हैं कंट्रोल कर रहे हैं प्रोहिबिटिंग लोन्स ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ गिविंग एडवांस टू ग्रांट लोन टू प्रायोरिटी सेक्टर प्रायोरिटी सेक्टर को लोन्स देंगे बाकी लोगों को नहीं देंगे जिसकी मर्जी होगी वैसा करेंगे खुद के ऑर्डर चलाता है या तो प्यार से समझा देंगे या फिर प्रेशर से समझाएंगे ठीक है दोनों चीजों के अंदर यहाँ पे देखा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन डू यू कंसिडर अ कॉमर्शियल बैंक क्रिएट्स क्रिएट कमर्शियल बैंक क्रिएटर ऑफ मनी इन द इकोमी क्या आपको लगता है कि कमर्शियल बैंक जो है क्रिएटर है मनी का इन द इकोनॉमी यस आई कंसिडर अ कमर्शियल बैंक एज द क्रिएटर ऑफ द मनी इन द इकोमी हाउ बाय देर एक्सपीरियंस कमर्शियल बैंक नो दैट द डिपॉजिटर वुड नॉट विदड्रॉ ऑल ऑफ देयर फंडिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम बैंक को पता होता है कमर्शियल बैंक को पता होता है कि जितने लोगों ने भी यहाँ पे मेरे पास डिपॉजिट करवाए हैं जितने लोगों ने भी यहाँ पे मेरे पास डिपॉजिट करवाए हैं बेटा ये सब एक साथ विदड्रॉ नहीं करेंगे देखो ना कितनी सही बात है ना सैलरी एक बार आती है महीने में एक्सपेंस सौ बार होते हैं मतलब इंसान पैसा भी निकाल रहा है तो बहुत टुकड़ों में बहुत टुकड़ों में मतलब सब लोग एक साथ पैसा मांगने तो नहीं आने वाले उसको ये चीज पता है अच्छे से दैट इज वाई दे क्रिएट क्रेडिट इन द फॉर्म ऑफ मच हायर डिमांड डिपॉजिट देन देयर क्रैश रिजर्व क्या होता है तभी वो क्या करते हैं दे क्रिएट क्रेडिट वो इसलिए लोन बना देते हैं क्या बना देते हैं लोन

रिजर्व निकाल दिया रिजर्व निकाल दिया तो पैसा कभी खर्च होना ही नहीं क्योंकि हर इंसान तो पैसा मांगने नहीं आएगा तुरंत एक साथ और आएगा तो इसमें से दे देंगे और आएगा तो इसमें से दे देंगे यही चीज यहां पे बोली जाती है क्लियर है यही चीज यहां पे बोली जाती है क्लियर नाउ इन दिस वे दे कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ मनी ये कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बेटा इंक्रीज कर रहे हैं फ्लो ऑफ मनी मनी का फ्लो इंक्रीज कर रहे हैं इन एन एक इकोनॉमी के अंदर बाय द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन क्रेडिट क्रिएशन की वजह से मतलब लोन बढ़ा रहे हैं इसलिए जो पैसे का फ्लो है ना वो भी बढ़ रहा है फ्लो ऑफ मनी बढ़ रहा है फ्लो भी बढ़ रहा है क्यों क्योंकि लोन बढ़ा दिया आपने क्रेडिट का क्रिएशन कर दिया लोगों के ऊपर खूब सारा लोन दे दिया जैसे कि सपोज बैंक हैज इनिशियल डिपॉजिट बैंक के पास इनिशियल डिपॉजिट आया पंद्रह सौ रुपए का पंद्रह सौ रुपए का इनिशियल साढ़े बारह परसेंट इनिशियल डिपॉजिट L... जो है हमारा आईडी कर देता हूं पंद्रह ठीक है पंद्रह सो रुपया ठीक है अब एक चीज समझना सो इफ इनिशियल डिपॉजिट इज पंद्रह सो द बैंक्स विल कीप बैंक क्या करेगा बेटा इसमें से क्या करेगा इसमें से साढ़े बारह परसेंट का इंटरेस्ट जो है साढ़े बारह परसेंट का जो एक हिस्सा है वो निकालेगा ये कहां रख देगा बेटा वो रिजर्व में डाल देगा ये कहां डाल देगा वो रिजर्व में डाल देगा किसमें से पंद्रह सौ में से इतना से हिस्सा निकाल के और रिजर्व में डाल देगा विथ देम सेल्फ एंड लेड बचा जो होगा कितना One, one, uh, one three, one five, जो इतना पैसा बचा है पंद्रह सौ में से इतना तो हिस्सा निकाल के रिजर्व में डाल दिया बचा हुआ पैसा मैंने लोन पे चढ़ा दिया बचा हुआ पैसा मैं क्या करूंगा लोन पे चढ़ाऊंगा अब ताजुक की बात क्या है कि अगर कोई बैंक लोन देता है किसी व्यक्ति को तो बेटा बैंक लोन देता है उस व्यक्ति का पहले खाता खुलवाता है और उस खाते में लोन ट्रांसफर करता है मतलब वो खाता भी इसी बैंक में था मतलब घुमा फिरा के बैंक के पास ही आ रहा है पैसा फिर से

टू देयर अकाउंट अब देखो ना आपने इस व्यक्ति को पैसा दे दिया लोन के फॉर्म में यह व्यक्ति जो है पैसा खर्च करेगा पूरे जहान भर में और जब दूसरे लोगों को पैसा देगा ट्रांजेक्शन करेगा तो उनके पास पैसा आएगा वो पैसा कहां पर आएगा उनके बैंक में आएगा ना वो उनके बैंक में आएगा और कैसे आएगा एज डिपोजिट आएगा देखो आ, क्या बोल रहा है द बोरोवर विल मेक पेमेंट्स जिसने लोन लिया है वो पेमेंट्स करेगा किस अमाउंट की, जितने का उसने लोन लिया है, था और इसको पेमेंट किया तो बेटा इसके पास कितना पैसा आएगा ये जो पैसा इसके पास आ रहा है वो डिपॉजिट हो गया और वही हमारा इनिशियल डिपॉजिट इसके पास जो पैसा आ रहा है वो तो डिपॉजिट की तरह ही आ रहा है वो थोड़ी लोन है तो एक इंसान के पास जो पैसा आ रहा है वो भी लोन ही है दिस अमाउंट टू दी दाउंट लेंडिंग टू इंक्रीज डिपॉजिट अब दिपॉजिट बढ़ गए आपके क्या बढ़ गए बेटा डिपॉजिट बढ़ गए पैसा वही घूम रहा है लेकिन डिपॉजिट बढ़ गए अब बेटा ये सीनारियो कब तक होता रहेगा ये सीनारियो क्या होगा अगेन बैंक कीप अप्रोक्सीमेटली वन सिक्सटी फोर विथ दम एंड लेंड वन वन फोर एट फिर उसमें से हिस्सा निकाल दिया है ना फ्यूच फर्दर लीडिंग टू इंक्रीज इन द डिपॉजिट करेगा फिर वापस पैसा आएगा चार्ट याद अपन ने जो पढ़ा था तो ऐसे करते 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 दस द मनी गोज ऑन मल्टीप्लाइंग एंड क्रिएट न्यू फ्लो ऑफ मनी इन द इकोमी क्या पैसा मल्टीप्लाई होते जाता है और नया पैसा इकोनॉमी में आता जाता है जो मैंने बात बोली उसको जरा एक बार समझो और सुनो एक बार ध्यान दो उस उस, उस लाइनों पे बेटा समझ आया कि उन्होंने ये चीज बोली कि जितना भी पैसा बार-बार डिपॉजिट -बार होता जाएगा उसमें से हम रिज, रिजर्व निकालते जाएंगे देखो ना डिपॉजिट डिपॉजिट रिजर्व रिजर्व नहीं लोन लिख देते हैं इधर लोन और ये रिजर्व बेटा 1500 इसमें से अपन ने वन कुछ निकाला था कितना निकाला था अपन ने निकाला था वन थ्री टू पॉइंट फाइव होगा थ्री वन कुछ ऐसा था आ, कहा क्या क्या वन थ्री वन टू पॉइंट फाइव वन थ्री वन टू पॉइंट फाइव वन थ्री वन टू पॉइंट फाइव अब वापिस ये पैसा क्या होगा कोई खर्चा करेगा और वापस ये पैसा लेके आ जाएगा क्या करेगा वापस ये पैसा लेके आ जाएगा अब इसमें से फिर रिजर्व निकाले हमने देखो 14146 के अलावा मतलब इसके हिसाब से फिर हमने इसके अंदर से रिजर्व निकाल सॉरी रिजर्व निकाले कहाँ पे डाले रिजर्व हमने 164 164 ठीक है अरे मैंने उल्टे लिख दिए यार वैल्यूज यहां देखो उल्टे लिख दिए मैंने उल्टे लिख दिए वैल्यूज मैंने 1312.5 और 187.5 ठीक है ये तो मतलब किसके हिसाब से निकाल रहा हूं डिपोजिट में से साढ़े बारह परसेंट निकाल रहा हूं ठीक है और बचा हुआ वैल्यू कितना होगा वन वन फोर एट देखो वहां पर लिखा हुआ है हिसाब लगाते जाना वन वन फोर एट मैं करता जाऊंगा करता जाऊंगा करता जाऊंगा कब तक does the money goes on multiplying and creates flow of money in the economy ab dekho na paison ka kitna flow badh gaya the total credit creation by the bank can be obtained by the following formula ki paisa kitna banane wale hain ye ये बता देगा formula. कैसे बेटा initial deposit मतलब आपका id 1500 1500 into वन upon 1.25 मतलब क्या percent अब बेटा एक चीज समझना 1.25 को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं अपॉन भी भी लिख सकते हैं, भी लिख सकते सकते हैं हैं अब ठीक है अब यहां पे देखना बेटा पंद्रह सो वन टू जीरो पॉइंट वन टू फाइव अब जीरो वन को कितनी बार डिवाइड करें मतलब वन uh, को कितनी बार डिवाइड करें जीरो पॉइंट वन टू फाइव से कि वो डिविजिबल हो जाए तो ये बेटा होता है आठ बार कितनी बार होता है आठ बार तो अपन ने क्या किया पंद्रह सो आठ किया तो हमें पता चला हमारा आंसर कुछ आने वाला है बारह हजार रुपए कितना आने वाला है बेटा ये बारह हजार रुपए ये हमारा क्या है ये हमारा टोटल टोटल डिपॉजिट है क्या है बेटा ये टोटल डिपॉजिट है टोटल मनी हमने जो क्रिएट किया है वो है बारह हजार रुपए हमने यहां पे क्रिएट किए हैं समझ आया बारह हजार रुपए हमने क्रिएट किए जिसमें से साढ़े बारह परसेंट जो होगा इसका साढ़े बारह परसेंट जो होगा ना वो आपका पंद्रह सौ होगा पंद्रह सौ क्योंकि जो रिजर्व का जो टोटल अमाउंट आएगा ना वो पंद्रह सौ होने वाला है आपको कैसे पता सर क्योंकि बेटा हम इस रिजर्व को यह प्रोसेस हम तब तक करते रहते हैं जब तक रिजर्व की वैल्यू हमारे इनिशियल डिपॉजिट से इक्वल ना हो जाए कि रिजर्व की वैल्यू टोटल रिजर्व की वैल्यू देखो ना वन एट ऐसे करते करते जब तक ये 1500 ना हो जाए ना तब तक इनिशियल डिपॉजिट मतलब पहला डिपॉजिट का अमाउंट जो था उसके बराबर तब तक हम इसको बंद नहीं करते ठीक है तो हमने कितने गुना बनाया आठ गुना हमने मनी क्रेडिट क्रिएट किया मतलब दैट इज बारह हजार रुपए क्लियर है समझ आया सबको चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं डिपॉजिट so so था और उसके साथ साथ हमने क्रिएट किया अब देखो हम लोग के हिसाब से हम लोग लोन लो लो दे सकते हैं सोचो ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट रोल ऑफ आरबीआई नोन एज लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट क्या होता है क्या, क्या जाना जाता है इस नाम से देखो इट मींस दैट इफ अ कमर्शियल बैंक फेल्स टू गेट फाइनेंशियल अकोमोडेशन फ्रॉम एनी वेयर इट अप्रोचेज द सेंट्रल बैंक एज लास्ट रिसोर्ट वो बोल रहा है जब कमर्शियल बैंक हाथ जोड़ ले हाथ जोड़ ले ठीक है कमर्शियल बैंक जब हाथ जोड़ ले पूरी दुनिया से यार भैया पैसा दे दो पैसा दे दो पैसा दे दो और कोई भी ना दे कोई भी ना दे तब आर बी आई आता है तब आता है आर बी आई वही बोलते हैं ना तो दुर्दाक्ष ने क्यों ना चे तो अकेला चलो रे कि भैया बंगाली नहीं हूं लेकिन थोड़ी बात चीज समझता हूं कि अगर तुम आवाज लगाओ और तुम्हारी कोई ना सुने तो अकेले ही चलते जाओ ठीक है वही चीज बोली गई है कमर्शियल बैंक अगर आवाज लगाए और कोई भी इसकी सहायता ना करे तो भैया आरबीआई आरबीआई कर देगा इसलिए लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट कि भैया मेरे पास लास्ट ऑप्शन है यही मेरी मदद कर सकता है जो कि परमेश्वर होते हैं हमारे भगवान होते हैं ठीक है थीके? तो भाई लास्ट रिसोर्ट की तरह काम करता है कमर्शियल बैंक के लिए कि यही दाता है यही बाप है ये सही सब यही है ठीक है कमर्शियल सेंट्रल बैंक एडवांस लोन टू सच बैंक अगेंस्ट दिय प्रूफ सिक्योरिटी उनसे बदले में सिक्योरिटी लेता है और फिर उनको लोन दे देता है बाई ऑफरिंग लोन टू द कमर्शियल बैंक इन सिचुएशन ऑफ इमरजेंसी इमरजेंसी सिचुएशंस में भी इनको पैसा देता है द सेंट्रल बैंक इंश्योर दैट सेंट्रल बैंक इंश्योर करता है द मनी बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री डज नॉट सफर फ्रॉम एनी सेटबैक कि बैंकिंग सिस्टम जो है वो कहीं भी कोई सेटबैक ना देखे ना ही कोई फेलियर देखे एंड मनी मार्केट रिमेन स्टेबल बेटा बैंक्स अगर करप्ट हो जाए या फिर बेसिकली बोलो डिजोल्व होने लग जाए तो बेटा मनी मार्केट की हालत खराब हो जाएगी कि बैंक्स जो है वो रन करते हैं पूरा सिस्टम ठीक है इसलिए यह रोल होता है यह आखिरी रिसोर्ट होता है किसका लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट मतलब आखिरी अगर कमर्शियल बैंक को किसी भी जरूरत है किसी भी तरह के आपके ऐसे फाइनेंशियल नीड्स की और कोई भी ना करे उनकी तो आर कर देगा ठीक है बदले में इंटरेस्ट चार्ज करेगा और कुछ सिक्योरिटी रख लेगा ठीक है ऐसी और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए सारे दर की वीडियोस देखने के लिए बेटा आप मैग्नेट ब्रेन चैनल को सब्सक्राइब कर सकते सब्सक्राइब कर सकते हो जहां पे हम के जी वन टू ट्वेल्थ सारी की सारी वीडियोस पढ़ाते हैं ठीक है चलिए उसके बाद देखिएगा सी बी एस ई इंग्लिश मीडियम स्पोकन इंग्लिश सी वी टी एन टी एस सी ओलंपियाट सी बी एस ई हिंदी मीडियम के लिए अपने पास अलग चैनल भी है तो जाके उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं उसके साथ साथ यूपी बिहार एम पी बोर्ड की भी सारी वीडियोज आपको मिल जाएंगी ऑल फॉर फ्री सारी की सारी आपको फ्री मिल जाएगी टैबलेट्स मोबाइल फोन्स और लैपटॉप्स किसी भी तरह के आपके डिवाइस पे ये सारी वीडियोस चल जाएंगी और हमें पता है सौ में से सौ कैसे लाने होते हैं बच्चों के पहले भी लाए हैं इस बार भी लाए थे आगे भी लाएंगे हमें पता है किस तरह से नोट्स होने चाहिए कैसे नोट्स आप कर, अच्छे अच्छे से पढ़ कर, आप पढ़कर अच्छे एग्जाम्पल अच्छी प्रेजेंटेशन से पढ़कर आप बेहतर स्कोर पर कर पाओगे जैसा हम देखते हैं वैसा ही हम करके आते हैं तो वो नोट्स बहुत मैटर करते हैं तो हम हमारी नॉलेज के हिसाब से नोट्स बनाते हैं ई नोट्स और ई बुकलेट्स वो बेटा डिस्क्रिप्शन में लिंक है जाकर डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को प्रेस करें और इन नोट्स को अवेल कर लें उसके साथ साथ बेटा YouTube, Facebook, Instagram, Twitter और Telegram पे भी आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं और हमें मिल सकते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं थैंक यू सो मच